हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और कल से काफी मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं कि सर, MCO 21 का पेपर कब होने वाला है, होगा या नहीं होगा। तो मैं उन सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि जी हाँ, आपके MCOM के जो फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट्स हैं उसको सबमिट चुकी आपने कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने नहीं भी कराया, तो उनको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बट हाँ, एग्जाम होंगे, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम MCOM के होंगे। जिनका एडमिशन जनवरी 2022 में हुआ है MCOM का, उनको पता होगा कि उनका सिलेबस कम्प्लीटली चेंज्ड है। पहले जो हम लोग IPO वगैरह करते थे वो सारी नहीं है। सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स को फर्स्ट ईयर में ला दिया गया है, साथ ही साथ कुछ नए सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस भी किया गया है। तो सबसे पहले सेमेस्टर में जो कि ऑलरेडी बीत चुका है, इसमें MCO 21 एक पेपर है, ठीक है ना। तो उसके नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, सारे ही नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमसे खरीद सकते हैं, एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं जून वाले सेशन में तो, बट उसके लिए असाइनमेंट सबमिट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं। बात यह है कि हाँ, एग्जाम होंगे। एग्जाम के डेट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। MCO 1 आपका 29 जुलाई, MCO 21 1 अगस्त, MCO 4 10 अगस्त, और MCO 5 12 अगस्त को आपके पेपर होने वाले हैं। ये चार पेपर जो हैं, ये चार सब्जेक्ट जो हैं, ये MCOM के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं और जून में उनका सेमेस्टर खत्म हो रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप किया होगा, एक दो स्टूडेंट ने मुझसे नोट्स भी लिया है। तो जिन लोगों ने लिया है, अच्छी बात है, आप अपना एग्जाम दीजिए। इनकेस अगर किसी में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप दिसंबर में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स अभी एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं ड्यू टू असाइनमेंट सबमिशन, या बुक अवेलेबल नहीं था, या जो भी दिक्कत हुई है, उनको भी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। टेंशन नहीं लेना है। दिसंबर के महीने में जब एग्जाम होगा तो उस टाइम पे आप 8 पेपर एक साथ दे सकते हो। सपोज कोई पेपर में अगर आपको टफ लग रहा है, सपोज 6 पेपर आपने दिया, जैसे हमारे टाइम पे 6 पेपर हुआ करते थे एक साल में, अभी एक साल में टोटल 8 पेपर हो गए हैं सेमेस्टर वाइज, 4-4, ठीक है ना। तो सपोज 6 पेपर आपने दिया, 2 आपने छोड़ दिया, तो 2 पेपर आप अगली बार देना अगले साल जब 6 महीने बाद जब एग्जाम होंगे आपके आपके थर्ड सेमेस्टर के, तो उस टाइम पे थर्ड सेमेस्टर और प्लस अभी जो दो सब्जेक्ट बचेगा उसको एक साथ दे देना। सो इट्स अप टू यू कि आप एग्जाम कब देना चाहते हो। आप नहीं चाहो तो एग्जाम नहीं भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 5 साल टोटल टाइम मिलता है MCOM को क्लियर करने का। बट डेफिनेटली अगर आपका प्रिपरेशन है, अगर आप तैयार हो एग्जाम देने के लिए, तो आपको एग्जाम देना है, एग्जाम स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि अभी तक बुक्स अवेलेबल नहीं है MCO 21 के, हालांकि मेरे चैनल पे मैंने MCO 21 के बुक्स अवेलेबल करा दिए हैं, MCO 23, 22, 23 के भी बुक्स अवेलेबल हैं। एक्चुअली बुक्स अवेलेबल नहीं है, इग्नू की तरफ से अभी कोई बुक्स अवेलेबल किया नहीं गया है, बट इग्नू की तरफ से ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज में वो सारे सब्जेक्ट्स चलते हैं जो आपके सेकंड सेमेस्टर में हैं, तो उनको मैंने वहां से कलेक्ट करके वहां पे डाला है, ठीक है ना। तो टॉपिक्स आपके वही रहेंगे, कुछ डिफरेंस नहीं होगा, एक दो यूनिट्स आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो आप हमारे वेबसाइट पर जाकर के भी स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उससे स्टडी करो जब तक ऑफिशियल बुक रिलीज ना हो जाए, जब रिलीज होगा तो फिर उससे करना, ठीक है ना। साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेस अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 1000 रुपीज पर मंथ जो है फी यहाँ पे रखी गई है। ऑनलाइन क्लासेस के साथ आपको नोट्स तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ असाइनमेंट्स का सॉल्व भी आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको आप तैयार करके 30 सितंबर तक आप जमा करवा सकते हैं। 30 सितंबर तक आप अपना असाइनमेंट सबमिट करवा लीजिए, उसके बाद फिर नवंबर दिसंबर में फॉर्म फिलअप कीजिए और जनवरी में एग्जाम दे दीजिए। दिसंबर जनवरी में आप एग्जाम दे दीजिए। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, कोई झमेले वाली बात नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना आपने। अगर आपका एग्जाम स्किप हो रहा है इस वाले सेशन में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगले सेशन में दो कुछ नहीं होगा। रिजल्ट जब आपका आएगा तो उसमें आपने कब एग्जाम दिया कब नहीं दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिजल्ट में आपका बस इतना मेंशन रहेगा कि आपने सारा पेपर क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। अगर कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, हमें ये शो करेगा कि 6 महीने का पेपर हम लोगों ने 6 महीने में दिया ही नहीं, 1 साल बाद हम लोगों ने दिया, तो वैसा कुछ वहां पे शो नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर करता भी है, पहला बात तो करता ही नहीं है, तो ये दूसरी बात एग्जिस्ट ही नहीं करती। बट इनकेस अगर कोई डेट वगैरह वहां पे लिखी भी होती तो उससे क्या फर्क पड़ता है, आपको तो पास होने से मतलब है ना। आपका आपका तो रिजल्ट क्लियर हो जा रहा है कि आपने सारे सब्जेक्ट क्लियर कर लिए हैं, हो गया। और ये बात सभी को पता है अभी के टाइम पे कि इग्नू ने अभी तक नोट्स एक जो बुक्स हैं उसका स्टडी मटेरियल उसको अभी तक रिलीज ही नहीं करा है। इवन चूंकि जो ये 4-4 8 सब्जेक्ट कर दिए गए हैं, इसके वजह से बहुत सारे कोर्सेज के यूनिट्स भी घटाए जाएंगे। MCO 1 के कुछ यूनिट्स घटेंगे, 21 के कुछ यूनिट्स घटेंगे, सारे के सारे यूनिट्स घटेंगे, ठीक है ना, बहुत सारे यूनिट्स घटेंगे। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बस प्रिपरेशन करते रहो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझसे बात कर सकते हो, फोन नंबर मैंने मेंशन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप जून में एग्जाम दे रहे हैं, अभी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप नोट्स ले सकते हैं इन चारों पेपर्स के। इनकी फीस भी तकरीबन के 1000 रुपए ही है, 250 रुपीज पर मंथ पर पेपर जो है रखा गया है। इसका इनिशियल फीस जो था वो 300 पर पेपर था, बट रिड्यूस करके उसको 250 रुपए पर पेपर हमने कर दिया है, जैसा कि बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है ना।
तो आप वैसे कर सकते हो, प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो आप हमसे बात करो, किसी भी तरह का सजेशन चाहिए हो, गाइडेंस चाहिए हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो हमारे इस नंबर पे, 8101065300 नंबर पे। मैं डेफिनेटली आपको वहां पे हेल्प करूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखो, किसी भी तरह का डाउट हो मुझे व्हाट्सएप करो, कॉल करो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।